हल्द्वानी शहर के ग्रामीण क्षेत्र में हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कुमाऊं के तराई केंद्रीय वन विभाग ने सुरक्षा दीवार बनाने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रामीणों के खेतों और घरों को नुकसान होने से बचाया जा सके। वन विभाग के DFO हल्द्वानी डॉक्टर चंद्रशेखर सनवाल ने बताया कि ग्रामीणों को हाथियों के आतंक से काफी नुकसान हो रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। इसके लिए वन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिससे सुरक्षा दीवार बनाई जा सके। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश काल में जंगल और गाँव के बीच बनी क्षतिग्रस्त दीवार को दोबारा बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 साउंड सिस्टम उपकरण भी मंगाए गए हैं, जिससे ध्वनि के द्वारा भी हाथियों को गांव की सीमा से दूर भगाया जा सके। आज न्यूज के लिए हल्द्वानी से पंकज पंत की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।